है तो हम अब इसकी लेयरिंग करते हैं, इस तरह की लेयर डाल देंगे एंड साथ में थोड़ा सा एवेपोरेटेड मिल्क भी जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने बाकी बिस्किट्स डाल देते हैं इसके अंदर जब तक वो डिप हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इसकी लेयरिंग करते हैं। ये हमारे पास लेयर वन आ गई। इसके ऊपर आप चॉकलेट थोड़ी सी ग्रेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। या तो आप डायरेक्टली, और ये हमारी